नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। मुरादाबाद रिजर्व पुलिस लाइंस बैरक में रात होते ही सिपाही रंगीन शाम सजाने लगते थे। स्वाट बैरक में सिपाही जाम छलकाते थे, इसके बाद फिल्मी संगीत पर खूब नाच गाना करते थे। कुछ दिन पहले ही रिजर्व पुलिस लाइंस में स्वाट टीम की बैरक में मुर्गा और शराब पार्टी हुई थी। इस पार्टी में जमकर जाम के प्याले छलके थे। इनमें से कुछ सिपाहियों ने अपनी फोटो भी सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। इसी दौरान किसी ने शराब पार्टी की फोटो खींचकर एसएसपी हेमंत कुटियाल को भेज दी। मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेकर एसएसपी हेमंत कुटियाल ने सीओ सिविल लाइंस डॉक्टर अनूप सिंह को जाँच के आदेश दिए थे। जाँच में 10 सिपाहियों को दोषी पाया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद 20 सितंबर मंगलवार को एसएसपी ने 10 सिपाहियों को निलंबित करने की कार्यवाही की। हमें सूचना मिली थी कुछ कि किसी पुलिस की लाइन की बैरक में कुछ आरक्षी द्वारा नशा का सेवन किया गया, तो उस पर चेक वगैरह किया गया और सीओ लाइन की रिपोर्ट पे 10 आरक्षियों को निलंबित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा भौतिक निरीक्षण में स्वाट बैरक के आसपास शराब की खाली बोतल, रैपर, गिलास आदि काफ़ी मात्रा में पाए जाने एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त फोटो में प्रदर्शित पुलिसकर्मियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर शराब पीते हुए दिखाई देने पर जिम्मेदारी के प्रति घोर लापरवाही बरतने तथा पुलिस विभाग की छवि धूमिल करने पर 10 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जिनके नाम कांस्टेबल शिव शक्ति, कांस्टेबल शिव कुमार, कांस्टेबल विवेक, कांस्टेबल संजय, कांस्टेबल विकास चौधरी, कांस्टेबल अजय तोमर, कांस्टेबल विनीत तोमर, कांस्टेबल अमित धामा, कांस्टेबल प्रदीप, कांस्टेबल रोहित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।